लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन का डिफिनेशन है और लाइनियर इक्वेशन का डिफिनेशन दिया जाता है कि एन इक्वेशन इन इन्वॉल्विंग ओनली वन पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड लाइनियर इक्वेशन। जिस समीकरण का पावर ओनली वन हो वैसे समीकरण को कहा जाता है, जिसमें कहीं चर वाले हो वैसे इक्वेशन को कहा जाता है लाइनियर इक्वेशन। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 5x प्लस 4 इक्वल 3x प्लस 10, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप पहले रूल्स को समझें। आप x 5x है, इधर 3x प्लस के बाद है। अगर इस 3x को हम लोग लेफ्ट में लाते हैं, इधर के साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इधर के साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट साइड को राइट में ले जाते हैं तो प्लस की संख्या हो तो राइट में जाएगा तो माइनस होगा, अगर माइनस की संख्या है तो राइट में जाएगा तो प्लस होगी। और उसी तरह से राइट की भी स्थिति है कि अगर राइट से लेफ्ट में डालते हैं तो प्लस होगा तो माइनस होगा, और जो माइनस होगा वह प्लस होगा। अब देखो यहाँ 5x है, यहाँ प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x है। अब देखो प्लस 4 इक्वल 10, अब जो है 5x में से माइनस 3x होगा तो यह प्लस 5x है, माइनस 3x है, 5 से 3x माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपको 2x। आप देखो क्या होता है, 4 प्लस है, ये नॉन वेरिएबल है तो ये रेजिस्टेंस है जिसको अचर कहते हैं, इधर जाता है तो ये भी माइनस हो जाता है। अब यहाँ बच गया 2x, यहाँ घटेगा माइनस तो यह होगा 6। आप देखो यहाँ 2 में x का गुणांक है, कोशेंट है। अब इस मल्टीप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब हम x बराबर लिखेंगे तो कोई भी गुणा जो होता है, जो मल्टीप्लाई होता है जब राइट में जाता है तो वह डिवाइड हो जाता है, भाग में चेंज हो जाता है। जब भाग में बदल दिया या भागा जाएगा तो क्या 2 3 का होता है 6, x इक्वल क्या है आपका 3। कोई डिफिकल्टी हो समझने में दोबारा पूछ लिया जा। कोई परेशानी है? हेलो, क्या मैं बोला कि 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 10। अब 5x है, इधर इक्वल में है 3x, इस 3x को जो हम इक्वल किधर आते हैं लेफ्ट में तो यह धन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया गया। अब इक्वल में क्या बचा, क्या 10। अब 5x में माइनस 3x को माइनस कर दिया गया, माइनस 3x, 5x से माइनस 3 कर दिया जाएगा तो बचेगा 2x, और यह 4 जो है प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा। 2x जो है
या टू मल्टीप्लाई एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है यहाँ माइनस या जो है छिपा हुआ है, इसको इस तरह से लिख सकते हो। आपको लिखने के साथ जोश नहीं है, कुछ समझाने के लिए लिखा गया है, जी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। टू मल्टीप्लाई एक्स इक्वल सिक्स, जब यह गुणक जब इधर जाएगा, जब राइट में जाएगा तो यह डिवाइड हो जाएगा, भाग चेंज हो जाएगा, और इसे भागा करेंगे डिवाइड करेंगे तो थ्री होगा, एक्स बराबर थ्री है। अब कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो, देखो आप चेकिंग आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरा जो आंसर आया है इक्वल सही है या नहीं है? अगर आपका आंसर सही है तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे कि मैं सही, इसको आप चेक कैसे करेंगे? तो आप चेक कर सकते हैं, चेकिंग एक्स इक्वल क्या आया है आपका थ्री। पहले आप लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, फाइव एक्स प्लस फोर। अब फाइव मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू क्या है थ्री, फाइव थ्री का क्या होता है फिफ्टीन, प्लस फोर ऐड करेंगे तो कितना होगा नाइनटीन। राइट हैंड साइड में क्या होगा तो थ्री एक्स प्लस टेन, थ्री मल्टीप्लाई कितना होगा थ्री, थ्री थ्री जा क्या होता है नाइन, प्लस टेन कितना आया नाइनटीन। अब क्या होगा एलएचएस बराबर आरएचएस में दोनों का मान नाइनटीन ही आया, दोनों बराबर हो गया। अब यह सॉल्यूशन आपका क्या है सही है, एक्स इक्वल जो थ्री है या वैल्यू या हाल मेरा सही है। बोलो आगे कोई प्रॉब्लम है? इसे नोट कर लो, नोट न करे भाग जाए, नोट करना दो। एक्स प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व इक्वल थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस वन प्लस फोर एक्स। आप देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स में सिक्स फाइव में,
सिक्स से एक्स में और सिक्स से फाइव में, सिक्स एक्स सिक्स फाइव या थर्टी माइनस ट्वेल्व इक्वल थ्री थ्री या नाइन एक्स माइनस थ्री प्लस फोर एक्स। देखो यहाँ सिक्स एक्स या थर्टी में से ट्वेल्व को माइनस कर देंगे प्लस अठारह, इसलिए कि थर्टी जो है प्लस है और माइनस ट्वेल्व है, जिसका अधिक मान होता है उसी का चिन्ह पुट किया जाता है, रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर नाइन एक्स, नाइन एक्स भी प्लस है, फोर एक्स भी प्लस है, नाइन में फोर को ऐड करेंगे थर्टीन एक्स माइनस थ्री। अब देखो इधर इसको लाओ, सिक्स एक्स माइनस थर्टीन एक्स, इसको इधर ले जाओ माइनस एटीन। अब यह देखो सिक्स प्लस है माइनस थर्टीन एक्स है, माइनस अधिक है इससे चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, और थर्टीन एक्स में सिक्स घटाएंगे तो सेवन एक्स होगा, और इसमें इसको दोनों माइनस है इसलिए दोनों जुटेंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस ट्वेंटी वन। अब देखो दोनों माइनस है खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे खत्म हो जाएगा। अब बचेगा सेवन एक्स इक्वल ट्वेंटी वन, एक्स इक्वल ट्वेंटी वन बाई सेवन, सेवन थ्री जा होता है ट्वेंटी वन, एक्स इक्वल का आया थ्री। अब आपको चेक करना है, चेकिंग कैसे करोगे तो आपको बताया अभी, पहले हम लोग लेफ्ट में लेकर चलेंगे, लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर सिक्स है इंटू एक्स प्लस फाइव है और माइनस ट्वेल्व है, सिक्स हुआ एक्स का वैल्यू क्या है थ्री है प्लस फाइव है माइनस ट्वेल्व है, यहाँ सिक्स थर्टी और फाइव को थ्री को फाइव को जोड़ोगे तो कितना आएगा एट, सिक्स एट जा क्या होता है फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व, फोर्टी फोर्टी एट में से माइनस ट्वेल्व को माइनस करेंगे प्लस में से तो माइनस कितना आएगा थर्टी सिक्स। आप देखिए राइट हैंड साइड, इसमें आपका क्या दिया हुआ थ्री थ्री एक्स प्लस माइनस वन प्लस फोर एक्स, थ्री एक्स की जगह पर क्या है थ्री माइनस वन प्लस फोर इंटू थ्री, थ्री नाइन माइनस वन प्लस ट्वेल्व, थ्री इंटू एट प्लस ट्वेल्व, थ्री टेन जा थ्री एट जा होता है ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व इसमें ऐड करेंगे तो होगा थर्टी सिक्स। हमारा क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। अच्छा जो मेरा सोल्यूशन है एक्स इक्वल थ्री एक्स टू है, क्या समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम है? और सब बच्चे जो भी हैं उनको बोल दो, और सब बच्चे जो संपर्क में हैं उन्हें बोल दो। पढ़ाई चल रही है, आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, सब लोग समय से जुटे हैं।